जेवीएम प्रत्याशी योगेंद्र यादव ने झरिया विधानसभा से नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने बताया कि झरिया में सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण पानी है और साथ ही आरएसपी कॉलेज जो झरिया से बाहर भेज दिया गया है उसे पुनः झरिया लाने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा में जो मुद्दा है सबसे कठिन मुद्दा है, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का, विस्थापन का। आपका आरएसपी कॉलेज एक मार्ग था झरिया विधानसभा में, जिसमें गरीब बुजुर्ग बच्चे पढ़ता था, उसको भी यहाँ से हटाया गया है और गड़गड़िया भेजा गया। उसमें बच्चे बहुत कठिनाई हो रहा है आने जाने में वहाँ, और यहाँ पे पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, बेरोजगार नौजवान का बेरोजगार की समस्या है। और झरिया में विधानसभा में जो आज 20 साल से लगातार यहाँ के विधायक रहा है, झरिया के कोई भी विकास नहीं किया है, विनाश छोड़ के विकास कुछ नहीं हुआ झरिया विधानसभा में। सबरंग समाचार के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट।